आइए दोस्तों, एक बार फिर लाइव होते हैं हम और आ जाए हम छठ पर्व के कार्यक्रम में और थोड़ा बात करेंगे छठ के बारे में कि किस तरह का कार्यक्रम होता है। थोड़ा मैं आपको व्यू दिखाता हूँ कि किस तरह से। एक बार आप देख रहे हैं कुछ इस तरह का कार्यक्रम रहेगा। देखिए आप छठ पर्व का कार्यक्रम देख रहे हैं आप। जी आप देख रहे हैं कुछ तरह से कार्यक्रम देख रहे हैं आप। ये घाट है और लोग इस तरह से बैठे हुए हैं, कुछ आप देख रहे होंगे इस तरह से कुछ। आइए अब हम बात करते हैं कुछ छठ पर्व के बारे में कि छठ पर्व किस तरह से मनाया जाता है। आपका शुभ नाम क्या है? त्रिलोकी गुप्ता। त्रिलोकी जी बताएंगे कुछ छठ पर्व किस तरह से मनाते हैं और किस तरह का कार्यक्रम है, और आप भी कुछ व्रत रखे हैं बताएंगे कुछ बारे में। मैंने व्रत रखा है। अच्छा, बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। सबसे पहले इसमें ये देखा जाता है, साफ सफाई का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है और ये सिर्फ सूर्य देव का अर्घ दी जाती है और कहीं मूर्ति पूजन नहीं करा जाता। ठीक है, तो ये छठ पर्व है तो ये किस तरह का, ये शाम का ही रहता है या सुबह भी रहता है? सुबह में भी रहता है। सुबह सूर्य को ढलते हुए और उगते हुए दोनों का अर्घ दिया जाता है इसमें। बताएंगे कि किस तरह दिखाएंगे, पर कैसा भी हुआ आपका। ठीक है, देख लीजिए। आइए देखिए, एक मिनट रुकिए। आप लेट हो गए अर्घ देते हुए आपको फोटो दिखाया जाता है। जो आपका घाट बना हुआ है तो ये घाट जो पानी आपने डाला है कैसे, ये पहले गड्ढे बनाए। अच्छा, तो गड्ढे बनाए गए। किस तरीके से कार्यक्रम रहा आपका, कैसे? हमने सबके सहयोग से हमने काम करा। अच्छा, सबके सहयोग से करा आपने। तो ये जो जैसे बैठे हुए लेडीज बैठी हुई है, तो ये क्या क्या सामान को बताएंगे इस बारे में, क्या क्या होता है इनके पास, किस तरह से पूजा करते हैं? बताइए। न्यूज वाले हैं बता दीजिए, बताइए। अच्छा, आप आपका नाम क्या है जी? अच्छा आंटी जी, आपका नाम क्या है? गीता पांडे जी। तो आप बताएंगे, आपने व्रत रखा होगा कुछ, तो किस तरह से कार्यक्रम रहता है, कैसे करते हैं, बताइए कुछ आप। अब छठ के व्रत में क्या करना है जी? तो आपने कैसे कैसे करा बताएंगे मुझे, आप कैसे व्रत रखा, कैसे क्या दिनचर्या क्या रहती है आपकी, थोड़ा बताएंगे जिस बारे में आप। एक दिन पहले वो क्या करते हैं कि चना के दाल, घिया की सब्जी, लौकी की सब्जी जो होती है जी, उसकी सब्जी और थी बनाते हैं, खाते हैं। अच्छा। दूसरे दिन व्रत रहेंगे, पूरे दिन वैसे व्रत रहेंगे। ठीक है। अपना नहा के फिर उसके बाद अपना फल ले आते हैं जी, जी। पुआ ठेकुआ बनाते हैं जी करके ले आके माता जी को अपना ले आके चढ़ाते हैं। तो आपने ये जो बना रखा है, जो ये देवी का स्थान बना रखा है, तो ये इसी की पूजा करते हैं आप? हाँ जी, इसी का। फिर ये जो घाट बना रखा है, घाट क्या चीज़ बताएंगे उस बारे में, घाट के बारे में? घाट को खोद के अपने उसमें पिन्नी बिछा के गंगा जल डालते हैं, फूल डालते हैं। अच्छा। शुद्ध ताकि हो जाए। नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो आप जैसे पानी डालते हैं इसके अंदर, जो तालाब के अंदर घाट बना रखा है, तो तालाब का उद्देश्य क्या है बनाने का? ये अब पूर्वजों ने बनाया है कि नदी में नहाते हैं, नदी में पूजा करते हैं। अब हर जगह नदी तो है नहीं, अस्थाई बना रखा है। नदी ना होने के कारण आपने यहाँ पे गड्ढा खोद के, हाँ जी, पन्नी बिछा कर उसमें पुष्प डाल के, गंजल डाल के, हाँ हाँ, पानी भर के इसमें आप अर्घ देंगे आप। हाँ जी। तो ये जो क्रियाक्रम, जो कार्य रहेगा आपका, क्रिया रहेगी, ये शाम की रहेगी या सुबह की भी रहेगी? नहीं, सुबह की भी रहेगी। तो शाम तक आप इसमें रहेंगे, रात तक रहेंगे? नहीं, रात तक नहीं रहेंगे। अब अर्घ दे दिए, उसके बाद चले जाएंगे, फिर सुबह आएंगे। हाँ, तो आप ढलते हुए सूरज की और उगते हुए सूरज के अर्घ देते हैं। चलिए दोस्तों, आप देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं घाट है, अभी एक भैया उतर रहे हैं, या पूरा 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 देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं। प्राइवेट घाट मजबूर हैं, सरकारी घाट की व्यवस्था ना होने के कारण लोगों ने अपने ही प्लॉट में, जमीन में गड्ढा खोद कर छठ पर्व का इंतजाम कर रहे हैं। आप भीड़ देख रहे हैं, भीड़ किस हिसाब से है देखिए आप। अब तो कम हो गई भीड़ बहुत, अब तो खत्म हो गई है, नहीं तो बहुत ज़्यादा थी। चलिए आपसे अगली वीडियो मिलते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। ये आप देख रहे हैं कुछ लोगों को जाते हुए छठ पर्व की पूजा करते हुए, पूरा व्यू देख रहे हैं इस समय। ये देखिए लोग जा रहे हैं ऐसे अपने अपने वाहन पे, अपने पूजा करते हुए सब लोग ऐसे लगा रहे। ये आप देख रहे हैं घाट बना हुआ है, अस्थायी रूप से घाट बना हुआ है। अरे नहीं बेटा, आओ चलो।
आइए दोस्तों एक बार फिर हम लाइव है। कल आपने देखा था ढलते सूरज को अर्घ देते हुए, आज आप देख रहे हैं सुबह का उगते सूरज को अर्घ देते हुए। आइए हम अंदर चलते हैं। आप देख रहे हैं उगते हुए सूरज को। हेलो हेलो हेलो। अरे दोस्तों अभी समय है उगते हुए सूरज को अर्घ देते हुए, आपको जिस तरीके से देख रहे हैं भाई बहन दोनों से निवेदन है कि डोली बना कर रखें, जो भी काम करने वाले हैं ये माँ व्रत करने वाले जो व्यक्ति हैं उनसे डोली बना कर रहे हैं। और जूते चप्पल लोध है मेरा थोड़ा साइज हो कर रहे हैं, और माताओं को आने से है क्या कि चप्पल और जूते उस जगह न ले जाएं। कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं सुबह के समय साथ साथ कुछ पुरुष भी आप देख रहे होंगे। इसके अंदर भीड़ का आप लगा सकते हैं कि यह छठ पर्व किस तरह से मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से छठ पर्व देख सकते हैं कुछ इस तरीके से घाट बना रखा है उन्होंने। अस्थायी रूप से घाट है, प्लॉट के अंदर गड्ढा खोदकर पन्नी डाल के महिलाओं के साथ कुछ पुरुष भी लगे हुए। देखिए आप पुरुष भी पूजा कर रहे हैं सर। हेलो हेलो। आपका नाम क्या है बाबूजी? जीते मुरारी। जीतन मुरारी जी। अच्छा ये जो छठ पर बना रहे हैं ये कौन सी जगह पर है? ये छपरौला में है। छपरौला में है, तो यहाँ पर जो हमने छठ पर बना रहे हैं तो ये कैसे लोगों के सहयोग से बना रहे हैं या खुशी अपने ए, लोगों के सहयोग से? आपने व्यवस्था किस तरह से करी बताइए मुझे आप। ये व्यवस्था है कि यहाँ की जो भी आदमी हैं यहाँ बिहार के रहने वाले या पूर्वी क्षेत्र के रहने वाले यूपी के हैं वो लोग हम लोग सब मिलकर यहाँ अपना काम कर रहे हैं जी। तो आपने यहाँ पे जो छठ की व्यवस्था कर रहे हैं तो जो बिहार के लोग काफी हैं। हाँ बिहार के लोग। तो आपने किस तरह से इंतजाम करा है? किस तरह से आपने इंतजाम करा है छठ पर्व का? आपने हम ये समाज हमारा जो भी है उन लोगों से सहयोग के अनुसार हमने ये काम किया है। अच्छा आपने लोगों के सहयोग से आप इंतजाम कर रहे हैं। हाँ तो प्रशासन के द्वारा से कुछ आपको मदद मिली है प्रशासन? हाँ से? प्रशासन को हमने इन्फॉर्म कर दिया है, प्रशासन हमारे साथ हैं, सामने हैं, उनके कहने के अनुसार हमने किया। यानी कि आपको शासन प्रशासन दोनों द्वारा मदद मिली गई है। हाँ तो आपने जो व्यवस्था कर रहे हैं यहाँ पर ये व्यवस्था किस तरह की व्यवस्था है? व्यवस्था हम लोगों को सामाजिक है, सही है। अच्छा। कोई तरह की दिक्कत नहीं है हम लोगों को। तो आपने जो कार्यक्रम करा है थोड़ा मुझे बताएंगे जो इस समय जल दे रहे हैं सूरज को ये कैसे किस तरह के जल होता है और किस तरह की पूजा होती है? ये सूर्य नारायण और छठी मैया का यहाँ पूजा होता है और यहाँ सूर्य नारायण के अर्घ लोग देते हैं फल। अच्छा। फूल जो भी फल फूल होता है। अच्छा। वो देते हैं। अच्छा। तो
उसमें मैंने सुना कि आपने भी व्रत रखा है कि उसी आपकी व्रती है या आप व्रत नहीं रखा आपने? हाँ, व्रत हमारे पूरे फैमिली लोग रखे हुए हैं, हमारे समाज रखे हुए हैं, उनकी सेवा के लिए हम लोग अभी हर तरह से तैयार हैं। मुझे कुछ बताएंगे, जैसे ये यहाँ पर ये पूजा कर रहे हैं, ये जो यहाँ पर ये पूजा कर रहे हैं, क्या बना रखा है कुछ बताएंगे ये, उसके बारे में? ये है फल है, ये आपको केला है, सेब है, जितनी सामान जो होता है फलों में हम लोग इकट्ठा करके सूर्य नारायण का पर्व का हम लोग अर्घ देते हैं। अच्छा, अर्घ देते हैं। तो ये जो इन्होंने जो जो मूर्ति यहाँ, तो आपकी जो पूजा होती है, मूर्ति पूजा तो होती नहीं है ना, मूर्ति साक्षात सूर्य की पूजा करते हैं अभी। हाँ, तो हाँ। आपने ये क्या चीज़ बना रखा है इसके अंदर, बताइए मुझे आप। ये सिरसोपता जी हैं। अच्छा, एक अपना रखा जाता है उस जगह और उनकी पूजा होती है। अच्छा, स्नान करने के बाद ये तालाब जो खोदा गया है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि नहाकर हमारे जो पर्व करने वाले हैं वो आकर अपना कपड़ा बदल कर और उस जगह फल फूल रख कर हम लोग गोर लाग उसको प्रणाम करते हैं। तो आइए अब हम कुछ महिलाओं से मिलते हैं, कुछ महिलाओं से पूछते हैं कि आपने किस तरह से व्रत रखा हुआ और किस तरह से पूजा करते हैं। हाँ, ये बताएंगे आपका शुभ नाम क्या है आपका? मैं तो यहाँ की मंडल अध्यक्ष हूँ, देख रही खड़ी हूँ। अच्छा। हाँ, तो आप मंडल भाजपा की मंडल अध्यक्ष? बादलपुर से है। अच्छा। अंजना त्यागी हूँ मैं। यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, किस तरह कार्यक्रम है? आपने व्रत रखा है किसके अंदर? आपने व्रत रखा हुआ है क्या? नहीं, व्रत नहीं रखा, मैं सहयोग के लिए हूँ इन लोगों के लिए और देखभाल हूँ। सुबह 4 बजे से मैं यहाँ हूँ आज। हाँ, और श्याम भी आई थी तो मैं इनके साथ सहयोग कर रही हूँ जितना मेरे से हो रहा है, इनकी देखभाल के लिए हूँ ताकि न किसी की दिक्कत ना हो। दोस्तों, आप देख रहे हैं कुछ तरह कैसे इन्होंने जो व्रत रखा हुआ है, तो उसके देव सात सिंगार के द्वारा इन्होंने व्रत रखा हुआ है, देखिए आप। और ये बताएंगे आपने व्रत किस तरह से रखा हुआ है और किस तरह से व्रत रखते हैं, किस तरह से व्रत नहीं रखते हैं। आपका शुभ नाम? व्रत के बारे में बताइए। आपका शुभ नाम? किरण। क्या नाम है आपका? किरण। हाँ जी, आपका शुभ नाम क्या है जी? किरण, किरण देवी। आपने जो व्रत रखा हुआ है, व्रत किस तरह से रखते हैं आप? निर्जला होता है या कुछ खाते भी नहीं? निर्जला होता है। हाँ जी, निर्जला होता है। निर्जला होता है। तो आपने व्रत कब से रखा हुआ है, कल से या परसों से या कल शाम से? परसों से। परसों से रखा हुआ है। तो अभी आपकी क्या पूजा चल रही है? तीन दिन से आपकी पूजा चल रही है जी। तो अभी जैसे लोग जल के अंदर है, तो जल के अंदर लोग खड़े हैं, जल में पूजा करने के बाद उसका क्या प्रक्रिया रहती है आपकी? ये है मनोकामना पूरा करे पूरा परिवार के। अच्छा, मैंने कुछ देखा कल शाम के टाइम, मैंने कुछ देखा कुछ लोग लेट लेट के आ रहे थे, तो वो क्या चीज़ था? वो मन्नत होती है। मन्नत होती है वो। आपने पूजा से करा है कि मन्नत मांगी है कुछ आपने भी? हाँ, मन्नत मांगते हैं। मन्नत पूरी हुई है आपकी भी? तो इसीलिए तो होता है। अच्छा, तो अभी आपकी पूजा हो गई या पूजा कर रहे हैं अभी? अभी पढ़ ही रहे हैं, अभी तो अर्घ देना बाकी है।
आपके घर से कितने लोगों ने व्रत रखा है या सब आप सिर्फ आप ही ने रखा है? नहीं, अकेले रखा। आप देख रहे हैं लोग बाग किस तरह से पूजा कर रहे हैं और पूजा के बाद जयकारे लगा रहे हैं, कुछ इस तरीके से पूजा है। देखिए आप, छठी मैया की जय, सूर्य नारायण की जय। ये महापर्व सूर्य नारायण का होता है, इसमें सभी अस्थाई है, इसमें कोई मूर्ति पूजा नहीं है।